Hello everyone. So we are discussing the examples of the chapter the D and F block elements, and today it's the turn of example number 3. So here the question is, name a transition element which does not exhibit variable oxidation states. कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स एग्जिबिट नहीं करता, मतलब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता. कैसे बताएंगे बेटा? देखो, आपके एनसीईआरटीज में ये एक टेबल गिवन है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल्स, एंड इसमें नीचे भी कुछ लिखा है, द मोस्ट कॉमन वंस आर इन बोल्ड टाइप्स. तो यहाँ पे सारे के सारे 3D एलिमेंट्स गिवन है आपको और सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी गिवन है. तो यहां से हम देखकर बता पाएंगे कि ये जो है बेटा स्कैंडियम, ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +3, मतलब ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता. अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, सो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी बेटा? ये आर्गन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक, और उसके बाद 3d1 एंड 4s2. तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, विच इज +3. सो स्कैंडियम +3 में जाएगा तो यहां पर आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस, एंड दिस इज 3d0 एंड 4s0. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ आपके पास? स्कैंडियम. लेकिन अब आप मुझसे ये भी पूछ सकते हैं कि मैम स्कैंडियम तो ठीक है, लेकिन यहां पर ये जिंक भी तो है, इसकी भी सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिख रही है हमें यहां पर +2. लेकिन बेटा ये जो जिंक है ये तो ट्रांजिशन एलिमेंट ही नहीं है, है ना? जिंक इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट बट इट इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट. तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे. आपसे पूछा है नेम अ ट्रांजिशन एलिमेंट, तो ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा हुआ आपके पास? स्कैंडियम. क्लियर? तो एनसीईआरटी में इसका सॉल्यूशन क्या गिवन है आपको वो भी देख लेंगे साथ साथ. सो हियर द सॉल्यूशन इज स्कैंडियम z equals to 21. 21 is the atomic number of scandium, does not exhibit variable oxidation states. This is the answer for this example. मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में, तब तक के लिए बाय बाय.